हेलो फ्रेंड्स, रत्ता मी चाय के में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मोदक। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग है। हम अलग अलग तरह के लड्डू मोदक बनाकर भोग लगाते हैं, तो आज मैं आपके साथ सूजी के मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मोदक बिना चाशनी, बिना मावा और ना ही हमको इसमें घंटों मेहनत करना है, और इसे हम बिना मोल्ड के बनाएंगे और बिल्कुल इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं मोदक बनाने के लिए हमें मेन किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आधा कप सूजी ली है। ये मेरे पास मोटी सूजी है, अगर आपके पास बारीक सूजी है तो आप वही लें। ये मेरे पास मोटी सूजी है तो मैं इसे मिक्सर में हल्का सा पीस लूँगी। एक कप दूध लेंगे, आधा कप शक्कर, मतलब जितनी मैंने सूजी ली है उतनी ही शक्कर ली है। एक बड़ा चम्मच घी, और ये मैंने मिल्कमेड लिया है। मिल्कमेड डालना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन इससे मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरी मोटी सूजी है तो मैं इसे मिक्सर में हल्का सा पीस लूँगी, मतलब जैसे बारीक सूजी रहती है हम इसे भी उतना ही बारीक पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसे नहीं करना है, मतलब पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए, मैंने सूजी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का सा इसे पीस लिया है। अब पैन में हम घी लेंगे, जैसे ही घी पिघल जाएगा हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी को हम 10 मिनट तक घी में इसी तरह से सेकेंगे, कंटिन्यू इसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और हमें इसका जो सूजी का है इसका कच्चापन ख़त्म करना है, तो गैस की फ्लेम आपको लो ही रखना है और कंटिन्यू इसे हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे। तो मुझे 10 मिनट हो गए हैं और देखिए सूजी का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमें बस इसे इसी स्टेज तक ही सेकना था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, तो अभी मैं इसमें आधा कप दूध डालूंगी। दूध को अच्छी तरह से सूजी में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत जल्दी सूजी दूध को सोख लेगी। अब इसमें जो बचा हुआ आधा कप दूध है वो भी सब डाल देंगे इसमें, और फ्लेवर के लिए इसमें कुछ केसर के धागे डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें शक्कर भी डाल देंगे। अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक सूजी दूध को पूरी तरह से सोख ना ले, मतलब हमें इसका एक जैसे डो होता है ना सूजी का, उस तरीके से हमें इसे डो लगाना है ताकि जो दूध है उसका कच्चापन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहे। तो हम इसे कंटिन्यू इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। इसमें गाढ़ापन आ गया है और इसमें अब हम एक चम्मच मिल्कमेड डालेंगे। अगर आपके पास मिल्कमेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसे टेस्ट मिठाई का और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरे पास था इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल डो की तरह हो गया है और पैन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो हमें इसे इसी स्टेज तक ही पकाना है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसका और अच्छा टेस्ट लाने के लिए 2 बड़े चम्मच इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नारियल का बुरादा आप गरम गरम में ही डालें,
ताकि नारियल का बुरादा है उसकी सिकाई भी हो जाए। और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं आपको इसका परफेक्ट टेक्सचर कैसा होना चाहिए बताती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसे जैसा रोल कर रही हूँ वैसा रोल हो रहा है ये, मतलब आप इसे जैसा शेप देंगे उस शेप में ये बन जाएगा। तो ये इसका परफेक्ट टेक्सचर है। ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये मैंने बादाम लिए, नारियल का बुरादा, गुड़, पिस्ता और इलायची पाउडर। मैंने इसमें गुड़ का यूज़ किया है। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट इसमें और अच्छा आएगा। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। गुड़ भी डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल दरदरा पीसा है, आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और ये गुड़ से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आई है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें गुड़ इसलिए डाला है क्योंकि मोदक में ऑलरेडी शक्कर है, तो हम इसमें भी शक्कर डाल देंगे तो ज़्यादा मीठा लगेगा। और गुड़ डालेंगे हम इसमें तो इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और मीठापन भी कम रहेगा। तो देखिए, ये आसानी से बन रहे हैं इसकी बॉल्स। तो इसमें गुड़ हमें इतना ही डालना है कि आसानी से इसकी बॉल्स बन जाए, बहुत ज़्यादा गुड़ भी आपको इसमें नहीं डालना है। तो ये देखिए, हमारी बॉल बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हम सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए। ये देखिए, सूजी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, इसे हम एक जैसा कर लेते हैं। आपको इसके गरम मोदक नहीं बनाना है, अगर इसका गरम गरम मोदक बनाएंगे तो आपको शेप देने में भी दिक्कत आएगी और आपके हाथ भी जलेंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक बड़ी बॉल बनाएंगे। और बीच में इस तरीके से अंगूठे से इसे दबा देंगे, एक होल करेंगे और इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई है ना ड्राई फ्रूट्स की, वो रखेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और इसे अच्छी तरह से हम पैक कर देंगे। और इसकी फिर से हम अच्छी तरह से बॉल बना लेंगे। अच्छे से हल्के हाथ से इसे आपको प्रेस करना है। ये देखिए, और इसे मोदक का शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हल्का सा नीचे से प्रेस करेंगे तो ये हल्का सा लंबा सा हो जाएगा। तो ये देखिए, मोदक का शेप बन गया है ये बिल्कुल। ये बिना मोल्ड के मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये बहुत ही आसानी से आप बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसको मोदक का शेप दे दिया है। और इसमें डिज़ाइन के लिए हम ये फोक है मेरे पास, इस तरीके से हम इसमें हल्की हल्की सी डिज़ाइन दे देंगे। आप फोक, ज़रूरी नहीं है फोक यूज़ करें, आप नाइफ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मोदक बनकर तैयार हो गया है। कोई कह नहीं सकता कि हमने इसे बिना मोल्ड के बनाया है। सभी मोदक को मैंने बनाकर तैयार कर लिया था
और इसे आधा घंटे के लिए फ्रीज में मैंने रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इस पर ऊपर से हल्की हल्की सी पिस्ता लगा देंगे, इससे जो मोदक हैं वो और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो ये देखिए, देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने बिना मोल्ड के मोदक बनाए हैं, और बहुत ही कम टाइम में इसे बनाया है। मैं आपको मोदक काट के भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से मोदक कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं मोदक। और ये देखिए, मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं अंदर से भी, और उतने ही ये टेस्टी भी हैं। और ये देखिए, इसमें स्टफिंग भी कितनी बढ़िया लग रही है। जब आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है, तो सूजी और गुड़ का मिक्स कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है।